और सीधे आपको लखनऊ से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर करीब 300 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दी जा रही है। दरअसल बीजेपी का देशव्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है और आज लखनऊ में 300 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। मंच पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एक एक करके लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी अभियान है भाजपा का, जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी में लोगों को शामिल किया जा रहा है, उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। और आज लखनऊ में भी बीजेपी की सदस्यता लोगों को दिलवाई गई, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है करीब 300 लोगों को ये सदस्यता आज दिलवाई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले अपने खेमे को और मजबूत कर रही है बीजेपी। दूसरी पार्टियों के 300 लोग बीजेपी में शामिल, जिन्होंने अपना मन बनाया और बीजेपी का दामन थामा चुनाव से पहले। अलग अलग पार्टियों में रहे लेकिन अब बीजेपी का दामन थामा है। करीब 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली आज, और मंच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सभी लोग अलग अलग पार्टियों में रहे लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। 2024 के लिए बीजेपी अपना खेमा मजबूत कर रही है। संकेत हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, हम देख रहे हैं तस्वीरों में महिलाएं भी शामिल हैं, अलग अलग वर्गों से लोग हैं, किन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं करीब 300 लोग जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं? बड़ी ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें खासकर नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रमुख हैं और सांसद हैं, यानी पांच श्रेणियों के जो में चल रहा है। और इसमें समाज से तमाम बिल्कुल, तो ये अभियान चल रहा है जहां पर अलग अलग पार्टियों के 300 लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, यहां अमित शाह से मिलेंगे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद चंद्रबाबू नायडू अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह और जेपी नड्डा से आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बात करेंगे। तो शाम को दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू, गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18।